हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शन से। आज का वीडियो बेस्ड है कमेंट पर और कमेंट किया है अमन बरेट 7073 ने। इन्होंने लिखा है, सर सर हेल्प मी, कई बार आपको कमेंट्स किया हूं, एक बार भी रिप्लाई नहीं करते हो, प्लीज हेल्प मी। हीरो का एंट्री सीन कैसे लिखे, कुछ हिंट दो प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो मैं अमन जी को ये बोलना चाहूंगा ना कि देखिए, एक दिन में हजारों कमेंट्स आते हैं हमारे चैनल पर, देखिए 1000 प्लस वीडियोस है और उन वीडियोस में रेगुलरली लोग कमेंट्स करते रहते हैं, तो एक दिन में हजारों कमेंट्स आते हैं, तो उन कमेंट्स को पढ़ पढ़ के रिप्लाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे भी लेकिन जो कमेंट्स है, कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं स्क्रॉल करके पढ़ता रहता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, ये कमेंट जो है ये लेना चाहिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ। आप देखे होंगे कि मेरे चैनल पर यानी आर एस फिल्म्स प्रोडक्शंस चैनल पर बहुत ज्यादा नंबर्स में कमेंट बॉक्स वाली वीडियोस आती है, क्योंकि आपके कमेंट्स को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए ज्यादातर वीडियोस जो है ना वो आप देखेंगे कि कमेंट बॉक्स वाली आती है। अगर 5 वीडियोस आती है ना, तो 5 वीडियोस में 3 तो कमेंट बॉक्स वाली रहती है, तो यही उसका कारण है कि आप लोगों के डाउट्स को मैं यूजुअली क्लियर करता रहता हूँ। तो चैनल पर नए हैं आप लोग में से कोई भी, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस हमेशा देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं इनके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, हीरो का एंट्री सीन जो वो कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो उसमें ये बात आ जाती है ना कि अगर आप हीरो का एंट्री सीन लिखना चाहते हैं ना, तो आपको कैरेक्टर के हिसाब से लिखना चाहिए। आपके कैरेक्टर जो है यानी जो लीड कैरेक्टर है वो कैसे है, हीरो के ही अगर बात कर ले यहाँ पर, तो हीरो का कैरेक्टर कैसा है, वो डरपोक है या फिर वो बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, कैसा है। अगर मान लीजिए कि वो बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है, फाइट वाइट करता है अच्छे से, तो आप उसकी एंट्री जो है ना वो उसी टाइप से दिखाएंगे, कोई फाइट सीन से दिखाएंगे, कोई चेस सीक्वेंस से दिखाएंगे, वैसा आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हीरो जो है वो वीक है, कमजोर है, डरपोक है, तो आप उसकी एंट्री जो है ना वो उसी टाइप के सीन से दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ ऐसा चीज आप दिखा देंगे और दिखेंगे कि हीरो जो है वो डर रहा है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। लेकिन बहुत कोई ऐसा होता है ना, बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं ना कि उनका कैरेक्टर जो स्ट्रांग नहीं भी रहता है ना, वो डरपोक रहता है, फिर भी वो चाहते हैं ना कि उसके हीरो की एंट्री जो है ना एकदम धांसू तरीके से हो, तो कैसे होगी? तो ऐसा एंट्री आपको सोच में दिखाना होगा या फिर ऐसा एंट्री आप सपने में दिखा सकते हैं। आप एंट्री सीन दिखाया आपने, खूब मारपीट हो रही है, चेस सीक्वेंस हो रही है, स्टंट्स हो रही है, वैसा आपने दिखा दिया, और उसके बाद फिर वहां पर साउंड आपने डाल दिया और आप दिखा रहे कि हीरो को कोई उठा रहा है और हीरो जो ये सब सपने में देख रहा था, तो इस तरीके से आप एंट्री सीन दिखा देते हैं। जो डरपोक हीरो रहता है उसका, तो डरपोक कैरेक्टर का भी आप इस तरह का भयंकर कैसे एंट्री सीन दिखाएंगे, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। वरना मेरे हिसाब से तो आपको जिस तरह का कैरेक्टर है उस तरीके से आपको करना चाहिए, लेकिन हाँ, बहुत हद तक ये आपके स्क्रिप्ट पर भी डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू ऑल्सो। तो ये एक बात हो गई। अब देखिए, एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं ले लूँ तो क्रिश 3 आपने देखी होगी, तो क्रिश 3 में जिस तरह से क्रिश के पावर्स रहते हैं, उस हिसाब से उसके एंट्री सीन को कैसे दिखाया गया है, जब क्रिश आता है, कृष्णा का बात यहाँ पर नहीं हो रहा, जब क्रिश आता है तो उसके एंट्री सीन को कैसे दिखाया गया, एरोप्लेन के जरिए दिखाया गया कि एरोप्लेन के आगे के पहिए जो है ना वो जाम हो चुके हैं और क्रिस जो है वो लोगों को बचाने के लिए आता है, उसका पूरा भार अपने में वो ले लेता है, तो इस तरीके से वहां पर दिखाया गया है। फिर उसी तरीके से आपने एक मूवी देखी होगी लक, जो संजय दत्त की थी, तो लक में दिखाया गया कि जो संजय दत्त का लक है ना वो बहुत ही ज्यादा गुड रहता है, तो उसका एक सीक्वेंस दिखाया गया, कैरेक्टर जो सीन था उसका, कि जैसे बहुत सारी ट्रेन की पटरियां रहती है जिसमें ट्रेन जो है वो चलते रहते हैं और संजय दत्त को क्रॉस करके जाना रहता है और उसका लक उसे बचाता है कि नहीं ये देखना रहता है, ट्रेन आते रहते हैं, पार होते रहते हैं, लेकिन वो वहां पर बच जाता है, तो इस तरह का वहां पर सीक्वेंस दिखाया गया। तो कैरेक्टर के हिसाब से, जैसा उसका कैरेक्टर है उसके हिसाब से वो सीक्वेंस वहां पर दिखाया गया, तो आपको भी इसी तरह का कुछ इंटरेस्टिंग सोचना चाहिए और हीरो को इस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से पर्दे पर लाना चाहिए, उसकी एंट्री सीन जो है ना बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ताकि ऑडियंस के हाथों से तालियां बज जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और देखिए, अगर लिखने के तरीके की बात की जाए ना कि कैसे उसे स्क्रिप्ट में लिखेंगे, तो फॉर्मेट तो सेम है, आपको एक्शन लाइन में उसे लिखना है, अगर कोई डायलॉग्स है तो डायलॉग्स में आपको लिखने हैं, वो फॉर्मेट तो सेम है। अगर आप प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट को लिखना सीखना चाहते हैं, आप फॉर्मेट सीखना चाहते हैं, आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक स्क्रिप्ट राइटिंग को सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल वीडियोस के थ्रू सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ सिखाया जाएगा, पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोर्स कंप्लीट करने पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगी।
तो उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो ऑफर्स के बारे में जानने के लिए या इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए या कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।